हर हर महादेव। ये बड़ा आवश्यक है इस समय जो है श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन, ये थोड़ा व्रत इत्यादि का जो निर्णय है वो संदिग्ध है। कई पंचांगकार इसमें कुछ अशास्त्रीय बात को भी लिख रहे हैं। इस दृष्टि से मुख्य रूप से धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि और निर्णय सिंधु तथा और दृग गणित और सौर गणित के आधार पर ये निर्णय दिया जा रहा है कि इस वर्ष यानी ये जो है सन 2022 में उपाकर्म श्रावणी और रक्षाबंधन किस दिन और किस समय पे होना चाहिए। मुख्य रूप से ये निर्णय तैत्रियों से रहित समस्त यजुर्वेदियों और कृष्ण यजुर्वेदियों के लिए है। जो सामवेदी हैं उनका उपाकर्म अलग समय पे होता है, अथर्ववेदी और बहुवृच यानी ऋग्वेदी हैं उनका भी ये श्रावणी उपाकर्म का समय अलग है। और ये जो हिरण्यकेशी हैं, बौधायन हैं या ये जो है कान और शाखा वाले हैं, माध्यमिन शाखा वाले काती हैं, उन सबके शुक्ल यजुर्वेदियों के लिए ये निर्णय है। वो इस प्रकार है कि यजुर्वेदियों के श्रावणी के मुख्य तीन काल बतलाए गए हैं। सबसे मुख्य है श्रावण की पूर्णिमा, दूसरा है श्रावण शुक्ल की पंचमी और तीसरा है श्रावण शुक्ल में पड़ने वाला हस्त नक्षत्र। ये मुख्य कार्य हैं। इनमें भी नहीं हो पाता है तो फिर भाद्रपद इत्यादि में भी हो सकता है, जैसे किसी को इसमें आसवच इत्यादि है तो उसका निर्णय अलग है। और इनमें भी सब में मुख्य काल है श्रावण की पूर्णिमा, भले ही वो श्रवण नक्षत्र से युक्त हो या ना हो। अब इस पर विचार करते हैं। इस बार जो पूर्णिमा है वो दूसरे दिन कम है, किसी के पंचांग के अनुसार 3 घटी या 4 घटी है। लिखा हुआ है कि यदि कोई तिथि 3 मुहूर्त या 3 मुहूर्त से अधिक होती है सुबह तो सा तिथि सकला गया, तो वो तिथि साकल्यापादित वचनों के अनुसार पूरे दिन मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उदय जो लोग मानते हैं एक सामान्य रूप से इसी वचन का अपभ्रंश यानी थोड़ा सा गलत तरीका लोगों के दिमाग में है। वो क्या है कि देखिए कि वो तिथि सूर्य उदय पे है तो वो पूरे दिन मानी जाती है। हाँ, सूर्य उदय पे जो तिथि है वो किसी कर्म विशेष के लिए पूरे दिन मानी जा सकती है व्रत इत्यादि में, है ना, पर्व निर्णय इत्यादि में, लेकिन उसका प्रातः काल 3 मुहूर्त होना परम आवश्यक है, यानी कि 6 घटी और उससे या उससे ज्यादा हो तो वो तिथि पूरे दिन मान्य होगी, अन्यथा नहीं। तो इस बार देखिए 4 घटी या 3 घटी तो 2.5 घटी ही है किसी किसी पंचांग देश विशेष के अनुसार, तो इसलिए ये पूर्व दिन में ही ये कृत्य होगा। तो पूर्व दिन में प्रातः काल पर भले ही वो तिथि चतुर्दशी है और उसके बाद जो है फिर वो पूर्णिमा है, तो ये कर्म प्रातः काल ही होता है, इसलिए ये कर्म काल पर व्याप्त न होने पर भी पूर्व दिन में ही प्रातः काल होगा। ये शास्त्रों में निर्णय होते हैं, जैसे किसी का कोई कर्म काल है उस समय पे वो काम होना है, तो कोई तिथि 2 हो गई दोनों दिन ही उसी समय पे है, प्रातः काल जैसे है तो दोनों ही दिन प्रातः काल है तो कब हो, या दोनों दिन प्रातः काल नहीं है तो कब हो, एक दिन है एक दिन नहीं है तो कब हो, तो ये शास्त्र के अनुसार ही निर्णय होता है। इसलिए समस्त यजुर्वेदियों को इस बार उपाकर्म जो है 11 अगस्त को प्रातः काल ही करना चाहिए। ये शास्त्रों और आचार्यों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा निर्णीत है, धर्मशास्त्र के द्वारा यही प्रतिपादित है। यजुर्वेदियों का 12 अगस्त को यानी पूर्णमासी को प्रातःकाल जिस दिन है उस दिन इस बार उपाकर्म नहीं है। अब राखी का निर्णय देखिए, रक्षाबंधन का देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र में ये वर्णन है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, है ना, कि ये जो श्रावणी इसमें शब्द आया है इसका निर्णय गदाधर इत्यादि आचार्यों के द्वारा पारसकृत सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो है
रक्षाबंधन से संबंधित है, श्रावणी उपाकर्म से संबंधित ये वचन नहीं है। तो जो राखी बांधी जाती है, रक्षाबंधन जो होता है आचार्यों के, गुरुओं के, ब्राह्मणों के द्वारा अथवा बहनों के द्वारा, तो ये जो है भद्रा युक्त काल में नहीं करना चाहिए। भद्रा जो तिथि है, तिथि का अंश है, वो किसी तिथियों में पूर्वार्ध में, किसी के परार्ध में होती है। तो पूर्णिमा जो साठ घटी की या उससे कम ज्यादा होती है, तो उसके ठीक आधे भाग में जो भद्रा रहती है, तो ये भद्रा से युक्त काल में नहीं होगा। और राखी बांधने का जो मुख्य समय शास्त्रों में बतलाया गया है वो है अपराह्न काल, यानी मध्यान्ह काल के बाद, यूं समझिए 3 बजे के बाद, 2:30-3 बजे के बाद का जो समय है, संध्या सायंकाल से पहले, वो मुख्य काल है। और मुख्य काल में यदि वो तिथि न हो या भद्रा हो तो गौण काल में इसको करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ चिंतामणि में ये वचन है कि दूसरे दिन यदि 2-3 घटी है 4 घटी है अपराह्न तक तो पहुंच नहीं रही है, अपराह्न मुख्य काल है, और वो साकल्यापादित वचनों के अनुसार भी 6 घटी भी है नहीं, इसलिए वो तिथि को पूरे दिन मान करके वो समय कार्य कर लिया जाए। इस दृष्टि से पूर्व दिन में ही करना चाहिए। यदा तू उत्तरत्र मुहूर्त द्वय त्रय मध्य किंचित न्यूना पूर्णमासी तदा अपराह्ने सर्वथा तदभावात् प्रदोष पश्चिमौ यामौ दिनवत कर्मचाचरेत, प्रदोष पश्चिमौ यामौ दिनवत कर्मचाचरेत इति पाराशरात्, ऐसा पाराशर जी का वचन है। तो भद्रांते प्रदोष यामे अनुष्ठानम, तो इसका अनुष्ठान पूर्व दिन में ही, भद्रा समाप्त होने के बाद अपराह्न काल भले निकल जाए, सायंकाल को या प्रदोष काल में या प्रदोष काल के बाद निशीथ काल से पहले करना चाहिए, ये इसका गौण काल है। तो मुख्य काल यदि बाधित हो जाता है तो फिर उस कार्य को शास्त्र के द्वारा शुद्ध समय जो बतलाया गया है, ऐसे गौण काल में, जो उसका गौण काल है मतलब दूसरे नंबर का जो समय है, उसमें करना चाहिए। तो इस बार जो रक्षाबंधन है वो समस्त बहनों को, आचार्यों को सावधानी से इसको सुनना चाहिए, और इसका मुख्य काल है भद्रा रहित। तो यहां वृंदावन में, मथुरा में जहां की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां रात्रि में 8:51 तक भद्रा है, तो तब तक नहीं करना चाहिए, ये उत्तम पक्ष है। उसके बाद और निशीथ काल में नहीं करना चाहिए। निशीथ काल माने पहला प्रहर समाप्त हो जाए, बीच के दूसरा और तीसरा रात्रि का जो प्रहर होता है उसे निशीथ काल कहते हैं। उसमें समस्त जो है वैदिक कर्म इत्यादि वर्जित हैं। और पहले याम में तो करना चाहिए दिनवत, ऐसा पाराशर का जो है वचन अभी आपने बताया, जो है प्रदोष पश्चिमौ यामौ दिनवत कर्मचाचरे, प्रदोष के पश्चिम याम में दिनवत दिन के समान जो है कर्म किए जा सकते हैं। तो इसलिए इस बार राखी का बांधने का मुख्य समय हुआ 8:52 से लेकर के और 9:46 तक, ये मथुरा का समय है, 9:46 तक, इससे ज्यादा नहीं जाए। ये जो है 11 अगस्त को 9:46 तक, 9:46 तक। काशी का समय अलग है, वो जहां जहां भी जो जैसा भी सूर्योदय होगा, तो विद्वान लोग अपने अपने पंचांग के अनुसार वहां के सूर्योदय से भद्रा कब समाप्त हो रही है ये देख करके और भद्रा के बाद और ये कार्य कर सकते हैं। सामान्य रूप से ये जो मध्य देश का है, तो इससे यूं ले सकते हैं आप कि 9 बजे से लेकर के लगभग, क्योंकि हमने तो अभी 8:52 से बताया, तो 9 बजे से अगर आप करना चाहिए यत्र तत्र, तो 9 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक, 9 से 9:30, ये लगभग सामान्य रूप से पूरे भारत में घटित होगा। कहीं कहीं नहीं भी होगा, वो आगे पीछे उनको करना पड़ेगा। सामान्य रूप से ये जो है मध्य देशों में सर्वत्र ये जो है नियम लिया जाएगा। तो भद्रा के बाद और निशीथ काल से पहले ये रक्षाबंधन का मुख्य काल है, इसी में रक्षाबंधन करना चाहिए। मनमाने ढंग से नहीं, कोई भी कर्म जब वो शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हैं तभी वो फल
फलवत होता है, फलवान होता है, अन्यथा तो वो सब निष्फल हो जाता है और उसका जो है पातक भी लगता है, शास्त्रीय कृत्य करने का फल मिलता लगता है। इसलिए फिर दोबारा एक बात को सुन लीजिएगा कि यजुर्वेदियों का, तैत्रीय भिन्न यजुर्वेदियों का ये जो है उपाकर्म यानी श्रावणी कर्म है वो 11 अगस्त को है और रक्षाबंधन भी 11 अगस्त को है। उपाकर्म प्रातः काल है और रक्षाबंधन सायंकाल में ये जो है प्रदोषोपरांत भद्रा की समाप्ति के बाद निशीत काल से पहले यानी 8:52 से लेकर के और 9:46 तक, सामान्य रूप से 9 बजे से 9:30 बजे तक इसको किया जाए। हर हर महादेव।